अंग्रेजों को एक बात पता था, जब वो भारत में आए थे सब ना, पूरी दुनिया में अगर भाईचारे का उस समय मिसाल चलता था तो लाहौर चलता। उसने देखा पढ़ाई के साथ साथ धर्म को लेकर चलेगी तो इन्हें कोई नहीं लड़ा सकता। अब कोई समझाने वाला है ही नहीं है। अंग्रेजों को एक बात पता था, जब वो भारत में आए थे सब ना, तब उनको मुलाकात हुई थी अच्छे से मुसलमानों से भी और अच्छे से हिंदू से भी। और यहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत लाहौर जो शहर था वो सबसे अच्छा मिश्रण था, क्योंकि वहाँ सिख लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, मुसलमानों की भी संख्या बहुत ज़्यादा और हिंदू की भी संख्या बहुत ज़्यादा, और इतने मिलजुल के रहते थे कि पूरी दुनिया में अगर भाईचारे का उस समय मिसाल चलता था तो लाहौर चलता था। लाहौर वहाँ पे पंजाबी भाषा, ओ पुत्र इत्थे बैठ, ये लस्सी ले आ, बड़का बाल्टी में लस्सी। और वहाँ हिंदू धर्म की भी अधिकता, मुसलमानों की भी अधिकता और पूरी वो थी। तो उसने देखा कि अगर ये कौम जो है पढ़ाई के साथ साथ धर्म को लेकर चलेगी तो इन्हें कोई नहीं लड़ा सकता है। अगर पढ़ाई के साथ साथ धर्म को लेकर चलेगी तो कोई नहीं लड़ा सकता है। इसलिए उन्होंने रिसर्च लाहौर पे ही किया था। यहाँ पर उन्होंने ऐसा तरह से शिक्षा व्यवस्था को लाया कि जो मुख्य शिक्षा थी उसमें धार्मिक शिक्षा को कहा गया, अरे यार ये सब तो धार्मिक चीज़ है, ये तो धार्मिक चीज़ है, ताकि मुख्य शिक्षा को अलग किया जा सके। और धार्मिक शिक्षा में जाके ऐसे कहा कि सांसारिक विद्या लेके क्या करोगे, आप जाके देखिएगा किसी धर्म से लीजिएगा, कहेंगे सांसारिक दुनिया क्या है, अरे भैया सीख लो ना, क्या तुम्हारा दिमाग बा कम है का, ले लो सांसारिक भी, क्योंकि जब तक संसार में रहोगे सांसारिक चीजों को जानेंगे तब ना बेहतर ढंग से समझेंगे। अब मुसलमानों को भी यही धीरे धीरे दिमाग में बैठा, दुनियावी तालीम लेके क्या करोगे आप में। मुसलमान लोग जो होंगे वो ई अंग्रेजों का दिया हुआ स्लोगन आज भी आप लोग सुनते होंगे उन धर्मगुरु लोगों से, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं जी, ये दुनियावी तालीम। भाई आपके पास वो तालीम है जो इतना टफ है, अरबी भाषा उसको कुरान याद कर लिए, ज्योग्राफी पॉलिटिक केमिस्ट्री ये सब क्या चीज़ रहता है, जो संस्कृत चारों वेद याद रखा उसके लिए ज्योग्राफी माने कौन चीज होता है, उड़ा देगा कि नहीं। लेकिन उनको पता था कि अगर ये लोग सांसारिक प्लस धार्मिक जान जाएंगे तो फिर इनका तो कोई तोड़े नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, लेकिन अपने यहाँ अलग नहीं किए। उनके यहाँ देखिएगा स्कूल में ही चर्च होता है, अमूमन देखिएगा उनके स्कूल में भी होता है, दोनों चीज सेम। पोप फ्रांसिस बीटेक इंजीनियर केमिकल साइंस, बीटेक में केमिकल साइंस सबसे उठपटांग होता है, समझ में आ गया कि नहीं। उसमें भी क्या है बीटेक उतना पढ़े, हमारे यहाँ मौलवी साहब बीटेक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पंडित जी बीटेक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हाँ कोई बीटेक के बाद पंडित जी बन जाता है, ठीक है अच्छी बात है, इससे पंडित जी को बहुत सम्मान होता है। तो ये किसने लेके गया था, अंग्रेज सब। और 100-200 साल पहले जो जहर का बीज बोए थे वो आज कटीला वृक्ष बन गया है, कि धार्मिक व्यक्ति को सांसारिक विद्या से 100 साल से दूर किया गया, अब उसको पते नहीं है। इसलिए देखिएगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में ऐसी बात बोलेगा कि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को उठाइएगा तो ऐसा ना बोल देगा आग लगा के चल जाएगा यहाँ पे। ये किसने चालू किया है, अंग्रेज, कोई बात नहीं। इतने लोगों को तो हमने जागरूक किया, 53,000 इस बैच में एप्लीकेशन पे हैं, उनको तो जागरूक कर दिया, और बाकी पूरे लेके ऐसे तो बहुत ज्यादा हैं, लाख में हैं उस समय, इस पर्टिकुलर बैच की बात कर रहे हैं आप, इतना को तो जागरूक किया गया ना, बाकी आगे आप जागरूक कर दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आगे से अगर किसी को भी धार्मिक शिक्षा दीजिए तो बेहतरीन से दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई तुम्हारा धार्मिक से आसान है ये वाला, निपटा दे इसको भी, समझ में आ गया।